हेलो गाइस, नमस्ते. सुचिता हेयर अगेन. आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे अपने घर पे और मज़े में होंगे. आज फिर से मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ. ये डेफिनेटली मेरा वीडियो नहीं है जो मुझे सैटरडे को अपलोड करना है, वो अलग टॉपिक है. और ये एक मेरा इंसिडेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. देखिए, मुझे लगा था कि मैं मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मैं ये शेयर करूँ नहीं करूँ आप लोगों के साथ. लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ये भी करना चाहिए. आप लोगों का पूरा हक है जानने का. जैसा कि कल मैंने बताया था कि अभी क्या कहते हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है. और मैंने वीडियो में आपको बताया था कि मैं सैटरडे को आऊँगी दूसरे वीडियो के साथ. अभी अभी मैं पासपोर्ट बनवा के आई थी अपना. अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि शॉक ऑफ माई लाइफ तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं. देखिए, मैं वीडियो बना रही हूँ, काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो अपना दिल की बातें शेयर करते हैं आप लोगों से. तो मुझे लगा आज मैं भी शेयर करती हूँ. मुझे एक देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं डिफेंस वाइफ हूँ और मेरा क्या था कि आई वॉज़ फ्लाइंग फॉर मैनी ईयर्स. तो मैं अपना काम करना चाहती हूँ, मैं डिफेंस वाइफ बन के और अच्छी सी लाइफ जी सकती हूँ. मेरे पास वो ऑप्शन है और मुझे ऊपर वाले की तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी पोस्ट में हैं, लेकिन मैं अपना कुछ इंडिपेंडेंटली करना चाहती थी. मुझे हमेशा से था कि मैं अपना खुद कुछ करूं. जैसे मैं फ्लाई करके आई, मैं ऐसा कुछ काम करना चाहती थी जिससे मैं अपने बच्चों को भी देख सकूं और अपना काम कर सकूं. अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले की बात है, मैं किसी से मिली थी यहाँ पे. और जैसा कि मैं आपको ये देखिए, अपनी अपनी मर्ज़ी होती है हर किसी की, किसी की हेल्प करनी है नहीं करनी है उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं. इंडिविजुअलिटी है हमारी अपनी, हर किसी की होती है. तो मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहिए. तो मैं किसी से मिली थी किसी मकसद से कि मैं क्या काम शुरू करूँ. कभी कभी होता है, और लकीली उन्होंने मुझे टाइम दिया और वो मुझसे मिले. उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो टीवी का भी है, और मतलब टीवी इंडस्ट्री में भी है उनका, और हर चीज़ में है. मतलब ही हैज़ अ गुड हैंड इन टीवी एंड एवरीवेयर इन हेयर हैदराबाद. लेकिन मुझे क्या लगा था कि अभी तक जितनी मेरी रिसर्च हुई है, जितना कुछ हुआ है, मुझे पता था कि आई एम गुड इन एंकरिंग, आई एम गुड इन टॉकिंग, आई एम गुड इन दिस. तो मुझे लगा था कि शायद मुझे कुछ काम मिल जाएगा. और मुझे ऐसी उम्मीद थी काफ़ी जगह से. मैंने आपको शायद पुराने वीडियो में शेयर करके बताया था कि मुझे बोला गया था कि आप थोड़ा इसके लिए ट्राई कीजिए. और काफ़ी यहाँ पे नॉर्थ इंडियंस हैं साउथ में जो सेटल हुए हैं टीवी इंडस्ट्री में, एंड दे हैव अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस, एंड आई नो दैट आई कैन टॉक एंड आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन दैट. सो वट एग्जैक्टली हैपन, आई मेट दिस पर्सन एंड ही सेड ओके यू वट यू डू डू फर्स्ट ऑफ ऑल ही टोल्ड मी वट एवर आई वॉन्टेड टू डू. ही गिव मी वेरी नाइस एडवाइस एंड आई हैव बीन फॉलोइंग एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिम टू गिव मी अ गुड एडवाइस. नाउ ही टोल्ड मी टू गेट अ फोटो शूट डन एंड आई हैव डन दैट. ऑलमोस्ट 8 to 9 thousand आई स्पेंड ऑन दैट. इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट एनी थिंग. आई टुक इट टुक मी 5 hours यू नो टू डू द फोटो शूट एंड वट एवर गेटअप आई बीन बीन टोल्ड एंड आई डिड दैट. After that, I did everything. I sent the photo, and quite possibility he has given me that you know maybe there is a possibility for you. So I was like okay. So far till now, अभी तक मुझे जो एहसास हुआ है वो ये है कि you should need a person. You should have somebody if you want to go to TV or you want to do the anchoring, if you want to do anything as such. I mean in this TV industry, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे वो पंजाबी में हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए. अगर मेरे हस्बैंड यहाँ पोस्टेड होते या यहाँ वो किसी गवर्नमेंट पोस्ट में होते तो शायद मुझे मदद मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है. और मैं नहीं चाहती कि मैं बच्चों को लेके यू नो हाउ इज़ द आर्मी लाइफ, 3 साल पीस 3 साल फिर. तो मुझे मैंने काफ़ी चीज़ें सोच समझ के ये डिसीजन लिया था कि चलो लेट्स ट्राई. सो व्हाट हैपेंड, यू नो एक होप आती है जब लोग आपसे ऐसा कहते हैं. तो मैंने फोटोशूट किया, सब कुछ किया, उसके बाद मुझे जवाब ये आता है कि देर इज़ नथिंग एज सच, कोई काम नहीं है. अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि देखिए, हो सकता है उन्होंने जेन्युइनली मुझे उस टाइम बोला हो, जेन्युइनली उनको लगा हो कि शायद मैं कहीं पे फिट हो जाऊंगी. लेकिन फिर मुझे लगता है कि उनका खुद का बैकग्राउंड भी टीवी का है, उनकी खुद की फैमिली मेम्बर्स भी टीवी में है, तो ऑब्वियसली वाई समबडी वॉन्ट्स द कॉम्पिटिशन. चाहे वो कुछ भी हो, मे बी आई एम नॉट गुड, मे बी आई कैन नॉट एक्ट गुड, मे बी कुछ तो होगा, मे बी आई कैन नॉट एंकरिंग गुड, लेकिन कुछ तो होगा, कहीं मैं कॉम्पिटिशन का हिस्सा बन सकती हूँ शायद फॉर एनी थिंग. मैं नहीं कह रही हूँ लुक्स वाइज और वट एवर इट इज़, इट कुड बी एनी थिंग यू नो. ऐसा डर उनको था शायद, जहाँ तक मुझे लगता है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपको ऐसा डर है या आपको ऐसा कुछ आ जाता है, तो प्लीज़ आप किसी से ये मत कहिए कि यू नो देर इज़ पॉसिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. और मुझे पता है कि आप कर सकते हैं, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ. आई एम नॉट ब्लाइंड, आई एम नॉट ब्लाइंड एट ऑल. आई कैन सी वट यू कैन डू, आई कैन सी वट यू कैन नॉट डू, आई नो एवरी थिंग. तो मेरा मतलब ये कि जब इंसान अपने आप
जब इंसान अपने आप नीचे से स्ट्रगल करके एक एक जगह पे पहुंच जाता है, मैं अपने लिए भी ये बात कह रही हूँ और मैं सबके लिए उनके लिए ये बात कह रही हूँ कि आप जब एक चीज़ के लिए कोशिश करते हो और वो एंड में आपको मिल जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी मदद करो, मत करो मेरी मदद, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, जो ऊपर वाले ने किस्मत में लिखा है वो तो कैसा ना कैसा करके मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो मुझे यहाँ रह के मिलेगा, चाहे मैं चली गई तब मुझे मिलेगा, कैसे ना कैसे वो मेरे पास आ ही जाएगा अगर वो मेरा होगा तो। अगर मेरी डेस्टिनी होगी, अगर मेरा मेरी किस्मत में लिखा होगा कि मैं जून जुलाई या पूरे साल में हैदराबाद में रहूँ, यहाँ का पानी और नमक खाऊं, तो मैं यहीं रहूंगी। मैं इन चीज़ पे विश्वास करती हूँ। जब मैं कतर में थी, मैं तब भी यही कहती थी कि जब तक मेरे किस्मत में कतर की रोटी खाना है, कतर का नमक पानी पीना है, तब तक मैं वहाँ रहूँगी, और वही हुआ। तो हमेशा मैंने हमेशा इस चीज़ पे हमेशा विश्वास रखा है कि अगर मेरी किस्मत में कोई है तो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। बस मैं ये मैसेज उन लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है ना कि कोई कॉम्पिटिशन बन जाता है किसी का, तो देखिए कोई किसी की किस्मत का नहीं छीन सकता। अगर अगर मेरे सितारे होंगे चमकने वाले या फिर उनके सितारे होंगे चमकने वाले, तो सितारा चमकेगा ही चमकेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। बस मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सबको, जो लोग ऐसा करते हैं दूसरों के साथ, कोई भी हो वो, एक्स वाई जेड, मैं यहाँ पे किसी को जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं बस मेरे मन में एक आया, यू नो, तो ऑब्वियसली होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मेरी लाइफ स्टाइल कैसी है। आई हैव सो मच टाइम टू थिंक, आई हैव सो मच टाइम फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, मैं बच्चों को भी देखती हूँ, मेरी फैमिली भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे मेरा टाइम मिलता है, मुझे मेरा टाइम ऑफकोर्स मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए मेरा टाइम नहीं है, ऑफकोर्स आई हैव लॉट ऑफ टाइम, मैं बाहर भी जा सकती हूँ, मैं वीडियोस बना सकती हूँ, मैं डांस सीख सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ ऑफकोर्स यहाँ पे 3-4 घंटे ऐसे होते हैं जहाँ हम बच्चों के साथ बिजी रहते हैं, बट आई डेफिनेटली विल नॉट ब्लेम माई किड्स और माई फैमिली फॉर दैट, बिकॉज नो बडी डज इट। मुझे जितना सपोर्ट है उतना शायद ही किसी को होगा, आई एम वेरी लकी फॉर दैट। और तो मैं यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ ये मैसेज मेरा है कि आप किसी को मत कहिए कि यू नो आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, यहाँ खर्चा कराने का नहीं है या शूट की भी नहीं है, मुझे शूट करना ही था ऐसा नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर गेटअप मुझे दिया गया था कि आपको इसमें करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो मैंने किया। ऑब्वियसली अगर मुझे मेरा शूट करना होता वो मेरे हिसाब से करती, अगर मुझे इतने पैसे खर्च करने होते तो मैं खुद मेरे हिसाब से करती, मैं आपके हिसाब से नहीं करती। तो पहले तो आपने शूट करवाया, ऊपर से आप मुझे ब्लंटली कह रहे हैं कुछ नहीं है, और वहीं पर आप किसी और को प्रमोट कर रहे हैं। तो देखिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान बेवकूफ़ नहीं होता, किसी की चुप्पी को आप ये मत समझिए कि कोई समझता नहीं है कि क्या चल रहा है या आपके आसपास, या किसी को पता नहीं चल रहा है। और स्पेशली मी, आई एम सॉरी बट आई एम ईगल आई, मेरी जो आँख है वो ईगल है, एंड ये मुझे पता है, मैं इतनी कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ, आई डू हैव अ ईगल आई। मैं दूर से भाप लेती हूँ कि कौन क्या है क्या नहीं है, बस इतना है कि मैं बोलती नहीं हूँ, और मैं एक टाइम आने पे बोलती हूँ जब एक टाइम सर के ऊपर से निकल जाता है। बट चलिए, मैंने कहा ना, अगर मेरी किस्मत में होगा और एक्चुअली में मुझे मिलना होगा और एक्चुअली में मुझे चाहिए और मेरा मेरा जो स्टार है उसको शाइन करना ही होगा, तो कोई नहीं रोक सकता उसके लिए, चाहे मेरे लिए कितने दरवाजे बंद हो जाएँ, कोई ना कोई दरवाज़ा तो खुलेगा ही खुलेगा। आई हैव, मैं सिर्फ ये इसलिए करना चाहती थी, मैं सबको बता देती हूँ, मैं बहुत डेस्परेट नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ सेटल होना चाहती थी हैदराबाद में, जैसा कि मेरी फैमिली यहाँ पे है, मैं चाहती थी मेरे बच्चे एक जगह पे रहे, एंड आई कैन टेक केयर ऑफ माई फैमिली ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली आफ्टर 3 ईयर्स मेरे हस्बैंड को फील्ड में जाना ही जाना है। तो हम लोगों को ऑफकोर्स फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास ऊपर वाले की दया से कुछ भी कमी नहीं है, मेरे पास मैन पावर से लेके मेरे पास एक औहदा है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे उस चीज़ का भी कोई प्राउड नहीं है, वो उसका है, वो अपना है, जब तक मैं वहाँ हूँ उनके साथ हूँ वो मुझे वहाँ मिल रहा है। यहाँ भी ऊपर वाले की दया से मेरे पास सब कुछ है, आई एम इंडिपेंडेंट, मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपने लिए जो मुझे चाहिए मैं ले सकती हूँ, और मुझे अगर कुक रखना है तो मैं रख सकती हूँ, मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ, लेकिन एज आई सेड कि आई एम अ वर्कहोलिक, मैं थोड़ा एडिक्टेड हूँ काम को लेकर कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, आई कैन नॉट सिट ऑल अलोन। बस मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ अपना दिल हल्का कर लेती हूँ, मुझे दुख नहीं है, गुस्सा नहीं है, बस थोड़ा सा दिल में थी ये बात, तो मुझे लगा कि बोल देना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। खैर मेरे जाने का है अभी प्लान, अभी पता नहीं है कोरोना की वजह से सिचुएशन क्या होने वाली है, बट एज ऑफ नाउ मेरे जाने का प्लान है, लेकिन अभी अभी मुझे थोड़ी देर पहले न्यूज़ मिली है कि हस्बैंड लोग का कुछ कैंप भी है 1 महीने का, आई डोंट नो हाउ इट्स गोना बी, एंड नई जगह रहेगी हमारे लिए वहाँ पे, और नई जगह में सेटल होना थोड़ा टाइम लगता है ना, बस यही है, मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं, और दिल हल्का करने की बात है तो आप लोग हैं अब मेरी फैमिली,
मुझे धीरे धीरे प्यार मिल रहा है लोगों का और मेरे लिए काफ़ी है। मैं स्लो एंड स्टडी में बिलीव करती हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और आप लोगों का थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप लोग मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जो जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं। आई गेट पर्सनली मैसेज एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। बस मैंने कहा ना, मेरे सितारे चमकने होंगे तो चमकेंगे, नहीं चमकने होंगे तो नहीं चमकेंगे, क्योंकि मेरे सितारे थोड़े बहुत तो चमक ही रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, बड़ा है। बस इतना है कि मुझे थोड़ा रेगुलर काम की ज़रूरत थी, जो मैं चाहती थी मुझे मिल जाए। हर इंसान को होती है एक रेगुलरिटी की अपनी लाइफ में। मुझे लगा था मेरे को फ्लाइंग आज भी मिल जाएगा। मुझे इंडिगो वालों ने काफ़ी बार फ़ोन किया है, उन्होंने मुझे बोला है कि दे आर रेडी टू गिव मी द सीनियर पोजीशन एंड इन फैक्ट दे आर गिविंग मी द ऑफिस वर्क ऑल्सो एंड दे आर पेइंग वेरी गुड। लेकिन वही है, मैंने कहा था ना, मैं 9 to 7 की जॉब नहीं कर सकती और फ्लाइंग तो मैं नहीं करना चाहती। अभी मेरा कोई ऐसा इरादा फ्लाइंग करने का है नहीं, और अगर मेरा इरादा होगा तो डेफिनेटली आई विल गो बैक टू माई कंपनी। मैं अपनी कंपनी में जाना ज़्यादा पसंद करूँगी रादर देन फ्लाइंग इन इंडिया। चलिए, चल रहा है अभी लाइफ में काफ़ी कुछ, मेरे ख्याल से टाइम है, ये भी निकल जाएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, बी सेफ, घर पे रहिए, आराम से रहिए। सैटरडे आई विल कम बैक मेरे वीडियो के साथ और मेरे टॉपिक के साथ, जो हम डिस्कस कर रहे थे हम वही डिस्कस करेंगे। आगे के लिए मैंने वीडियो बनाया है और मैं उसको आप लोगों को बहुत जल्दी अपलोड करूँगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी एयर होस्टेस के बारे में, जो मेरा टॉपिक था। नॉट एग्जैक्टली एयर होस्टेस, वहाँ कुछ और टॉपिक है, अलग टॉपिक है वो, ठीक है। Thank you so much. Take care. Bye bye. Ciao. Thank you.